लुधियाना न्यूज मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिनभर की खास खबरों की तरफ। म्याना में किसान कलश यात्रा का आयोजन किया गया। बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित इस कलश यात्रा में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ साथ बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे किसान कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रवण डाकर साहब, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय संतोष भाई, आदरणीय अशोक गार्जर साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी, सोनू जी और मेरे बहुत पुराने बड़े भाई अशोकनगर से आए आदरणीय दत्त सिंह रघुवंशी साहब, उपस्थित सभी कांग्रेस किसान भाई, सर्वप्रथम तो मैं उन किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करा कि उन्होंने अपने किसानों पर जुल्म अत्याचार कर रही है, नई नई झूठी घोषणाएं लाकर किसानों को भ्रमित कर रही है। किसान हर दिन भारतीय जनता पार्टी के 8 दिन में एक ऐसा लुभावना घोषणा आ जाती है और किसान बड़ा लालायित होकर उस घोषणा की तरफ देखने लगता है और तब उस योजना का लाभ लेने के लिए वो संबंधित विभाग में जाता है तो वहाँ धक्के खाने को मिलते हैं। वहाँ अधिकारी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, लागू नहीं हुई अभी, आप जाइए। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आरोन में आजीविका एवं कौशल विकास दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आरोन में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड आरोन के सौजन्य से आजीविका एवं कौशल विकास दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री जैसे अगरबत्ती, साबुन, दोना पत्तल, डलिया आदि की प्रदर्शनी लगाई गई एवं सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा अपने अपने विभाग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा आजीविका कौशल विकास दिवस पर दिए गए उद्बोधन का प्रसारण किया गया। बबीता कुशवाहा ग्राम सखी जितिया, कमलेश नायक सीएम के झाजवा, प्रियंका सूर्यवंशी सीएम के पनवाड़ी। यही है कि उनके दिल में उठे सवालों का सही जवाब दें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या सवाल है? ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है जिसमें 5 मई तिथि नियत थी आजीविका दिवस मनाने की, देश के तहत ही आजीविका शिविर लगाया गया। इनको कुछ सहायता भी उपलब्ध कराई गई है क्या आज? हाँ, कुछ समूहों को बैंक लिंकेज और जो सहायता अनुदान राशि होती है वो उपलब्ध कराई है, लेकिन इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ना और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अरुण से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। धरनावदर उठियाई मार्ग पर गोलाखेड़ी गांव के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, जिसमें करीब 15 से 20 लोग सवार थे, जिसमें से 3 से 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। ट्रैक्टर बांसखेड़ी गांव का बताया जा रहा है। ये ट्रैक्टर सजनाखेड़ी से जा रहा था, इसी बीच गोलाखेड़ी गांव के समीप यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का कारण बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे ट्रैक्टर में बैठे हुए थे जिन्होंने ट्रैक्टर की लिफ्ट उठा दी, जिससे ट्रॉली ऊपर हो गई और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। Thank you.
लिए फेरे तो एक ने कहा कबूल है। नगर परिषद आरोन द्वारा रविवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन पुरानी नगर परिषद के ग्राउंड में किया गया, जिसमें नगर सहित आसपास के गांव के 9 जोड़े सम्मिलित हुए। विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि आरोन अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी सहित नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण सिंह, CMO यशवंत राठौर ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 17,000 की राशि एवं 3,000 राशि मोबाइल हेतु वधु को चेक के माध्यम से दी गई। वहीं 5,000 का गृहस्थी का सामान दिया गया। वहीं परिषद अध्यक्ष कृष्ण सिंह द्वारा सभी जोड़ों को पंखिया, CMO राठौर द्वारा श्रृंगार सामग्री, पार्षद दौलत खतीक द्वारा 5 बर्तन, पार्षद माता दीन की ओर से दीवाल घड़ी सहित सांसद प्रतिनिधि नाथूलाल सोनी द्वारा वधु को बिछुड़ी भेंट की गयी। देखो हाथ लगा के हारोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधियों ने खोला पुलिस और अपराधियों के खिलाफ मोर्चा। चोरों ने आरोन नगर के लोगों का चैन लूट रखा है। लोगों में रात दिन चोरी का भय बना रहता है। दिन में अपनी कमाई में लगा इंसान थकार का जब अपने घर आता है तो रात्रि में अपनी घर की सुरक्षा में लग जाता है, जिससे उसके घर में रखी हुई कीमती वस्तु चोरी होने से बच सके। आरोन नगर के लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए मुंह दबे बताते हैं कि 2 माह में करीब 1 सैकड़ा से अधिक चोरियों की वारदातें हुई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ चोर पकड़ने की बात तो दूर, एक सुराग तक नहीं लग पाया है। चोरों के द्वारा की जाने वाली चोरियों के आंकड़े आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही मामला सामने आया शनिवार रविवार की रात्रि में, जब एक घर में चोरों ने चोरी को अंजाम दे दिया। और जब घर मालिक अपने छोटे भाई के साथ चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ा तो महिला एसआई जो रात्रि में गश्त पर थी, उन्होंने रास्ता रोक लिया और पूछने लगी कि कहाँ जा रहे हो। तब उन्होंने बताया कि हमारे घर में चोरों ने चोरी की है, हम उन्हीं को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने चोरों का पीछा न करते हुए उनको अपनी ही वर्दी का रौब दिखाने लगी और बोले कि इतने पैसा घर में रखते ही क्यों हो, गेट बंद थे या खुले थे। इन्हीं सब बातों में घर मालिक को उलझा लिया और न खुद चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ी और न ही तैनात पुलिस कर्मियों को पकड़ने के लिए वहां भेजा। वहीं जन भागीदारी समिति ने चोरों और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि नगर में हो रही चोरियों एवं प्रशासन के ढीले रवैये के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन 9 मई को किया जाएगा, जिसमें शासन के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध किया जाएगा। और ब्लॉक कॉलोनी में मेरा मकान है, मेरी करीब 4-5 लाख के करीब चोरी हो गई और पुलिस ने FIR भी मेरी अलग से नहीं काटी, मेरे पड़ोसी के यहाँ भी चोरी हुई, उसी में मेरी FIR को सम्मिलित किया गया है। और मैंने उस समय माननीय थाना प्रभारी महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी हम व्यस्त हैं, अगले रूप उसमें आपकी देख लेंगे। और वैसे हमने कि इसमें खुलासा कर दिया है आपका अलग से। मेरे साथ एक सबसे बड़ा अन्याय पुलिस द्वारा किया गया तो यही है कि मुझे एक अलग से FIR नहीं दी गई है, ना मेरे घर पर आकर कोई जांच अधिकारी ने कोई बयान लिए हैं और वैसे ही खाना पूर्ति कर दी गई, जबकि मेरा परिवार इस समय बहुत दुख में है। शहरवासियों का और प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने की तैयारी है कि आप लोग कार्रवाई करिए, किसी भी तरह हो सके कोई सुराग लगाइए, अन्यथा हमारी लड़ाई किसी भी TI से, दरोगा से, प्रशासन से नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इन घटनाओं पर रोकथाम हो, पर क्योंकि आगे चल के भविष्य में इससे कोई और शिकार न बने, हमारे नगर में इस समस्या इस तरह की आगे चल के खड़ी न हो। रैली के माध्यम से प्रमुख बाजार से होती हुई ज्ञापन दे, नहीं नहीं बाजार बाजार बंद अगर कोई स्वेच्छा से रखे ठीक है, अगर आगे कार्रवाई कोई नहीं होगी तो जरूर सब लोग मिलकर बाजार बंद करें। ये बात तो सही है कि पुलिस बल बहुत तैनात है, लेकिन जिस दिन हमारे इधर चोरी हुई, भाई साहब ने चोर का लगभग 100 मीटर तक पीछा किया और चोर उनके हाथ नहीं आया, अंधेरे का फायदा उठाकर और उसके साथी खड़े होंगे, वो भाग निकले और भाई साहब वापस आ गए। हो सकता है मेरे साथी कोई वारदात कर दे, भाई साहब रोड पे आए, सब इंस्पेक्टर जो अपने इधर मैडम तैनात हैं वो गश्त पे थी, भाई मैडम ने भाई साहब से पूछा कि क्या हो गया,
भाई साहब ने बोला चोर है और ये अभी यहीं पे गया, आप उसे पकड़ो। तो मैडम ने चोर का पीछा न करते हुए, जवानों को न भेजते हुए भाई साहब से बहस करने लगी। भाई साहब से पूछा क्या क्या चोरी चला गया, भाई साहब ने कहा ये चला गया 90,000 रुपये, आपके पास कहाँ से आए, घर पे इतना रुपया क्यों रखते हो, किवाड़ खोल के सो रहे थे या बंद थे किवाड़ आपके, के कौन कौन रहता है घर पे। मैडम ने ये बात बोला, फिर यही बात मैंने सुबह थाने में जाके और जो वहाँ पे थे दीवान वगैरह और भी इंस्पेक्टर जो भी थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैंने उनसे बोला, तो उनका कहना ये था कि मैडम थी वो महिला पुलिस है और वो चोरों का पीछा नहीं कर सकती, जब महिला चोरों का पीछा नहीं कर सकती तो फिर इस विभाग में क्यों है, और रात को गश्त पे क्यों थी उस दिन। आदेश तो दे सकती थी, नहीं आदेश दे सकती, उनके साथ जवान थे और मैडम का कहना था कि उस लाइन पे हमारे दो जवान बैठे हुए हैं, जबकि 4:15 बजे चोर चोरी करके अंधेरे में भागता, लेकिन रोड पे आया और विशेष गली में, और चोर रोड पे आया, हाँ चोर रोड पे आया, जवान देखते रहे क्या, जवान नहीं देखते, भाई साहब उनके पीछे था, इसके बाद जवान आए। हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। राधोगढ़ में समर्थन मूल्य पर चना तुलाई में हो रही गड़बड़ी, किसानों ने किया हंगामा। किसानों का कहना है कि 4 दिन के इंतजार के बाद भी नहीं हो रही तुलाई, और कुछ किसान आते हैं तो 1-2 घंटे में ही अपनी उपज तुलवा कर ले जाते हैं, लेकिन हमारी तुलाई नहीं हो रही। इसी समस्या को लेकर किसान राधोगढ़ SDM के बंगले पर पहुंचे। किसान राधोगढ़ SDM के बंगले का घेराव किया, लेकिन SDM किसानों से नहीं मिले। बहुत समय तक किसान SDM के बंगले के बाहर खड़े रहे, लेकिन जब SDM किसानों से नहीं मिले तो किसान वापस मंडी में उपार्जन केंद्र पर आ गए, साथ ही खुद अम्बालियों की जगह अपनी फसल तोलने लगे। SDM ने किसानों की समस्या नहीं सुनी, इसलिए किसानों में नाराजगी है। अरे तुम मजाक क्यों कर रहे हो यार, ये बता दे हमारा माल हमको तोल रहा है। मैं से डॉक्टर गणपत सिंह दाखिल हूँ, जबकि मैं 4 दिन से यहाँ पड़ा हूँ, और कल कलेक्टर साहब भी आए थे, डिप्टी कलेक्टर साहब, उन्होंने व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, मंडी बिल्कुल खराब है। SDM साहब आए, SDM साहब ने हमें दे दिया जाइए अपना माल, कोई सुनवाई नहीं है, जबकि मजबूरी में हमें, कल हमारी शादी है, हमारी भानेज की शादी है, तो हमें मजबूरी में हमारा खुद का माल मंडी में किसानों से हो रही लूट थमने का नाम नहीं ले रही। गुना कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ हो रही खुलेआम लूट, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अपनी उपज लाने के लिए किसानों को देने पड़ते हैं 1,000 से लेकर 2,000 रुपए, और जो किसान उनको नहीं देता उनकी ट्रॉली को वहां से हटा दिया जाता है। किसानों ने बताया कि जब इस बारे में तोल कर्मी से पूछते हैं कि पैसा किस बात का लिया जा रहा है, तो वह कहता है कि आपके मोबाइल पर जो कॉल और मैसेज आया है ये पैसा उसी का है और ट्रॉली के पास का है, जो किसान नहीं देगा उसकी तुलाई नहीं की जाएगी। साथ ही किसानों का आरोप है कि 50 किलो वारदाने का वजन मात्र 450 ग्राम है, 50 किलो 700 ग्राम अनाज तोला जा रहा है, जिससे कि हर 50 किलो अनाज पर 300 ग्राम उपज टोल कर्मी ज्यादा तोलते हैं। जब इस बारे में किसान शिकायत करते हैं तो टोल कर्मी कहते हैं कि उन्हें ऊपर से ही आदेश हैं। आखिर मंडी में किसानों से हो रही लूट क्यों नहीं थम रही, कहीं इसमें मंडी प्रशासन की कोई मिली भगत तो नहीं। चलो तो तुम्हारी किसने पैसे लिए आपसे? पैसे भी ले लिया। हाँ सर जी, मेरा शुक्रवार के दिन से ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर। शुक्रवार से मैंने
साइड लेते लेते मतलब दूसरे दिन में मैंने यहाँ पे लिया कांटे पे, आज तक ट्रैक्टर लिया आया। इनके बारे में जिनने बोला हमारे पास कोई बारदाना नहीं है, जे तुलाई वाले ने, मैंने बोला बारदाना नहीं है तो हमारे पास ही पैसा नहीं है, खड़ा रहने दो भाई, मैं ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। पैसे काहे के नहीं है, पैसे काहे के नहीं है, तुलारी पास काहे चाहिए पैसा, और का सो हमने है नहीं है पैसा। इसके बाद इन्हें बोला कल तुल जाएगी तुम्हारी ट्रॉली, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रॉली यहाँ से वहाँ का खड़ी कर दो, ये माल उठ नहीं दो। तो यहाँ से चार गाड़ी भरी भाई और हमने चार लोगों ने चार ट्रैक्टर बाहर कर दिए टीन सेट के नीचे। इसके बाद मैं अकेला था, ट्रैक्टर को बीच पीछे देखने को नहीं था, जो बाहर के दूसरे लोग आए किसान लोग, मैंने जब अपनी अपनी मर्जी से या इनकी मर्जी से ट्रैक्टर अंदर कर दे, हमारा ट्रैक्टर पीछे ही रहेगा। अब इसके बाद मैंने अपने हिसाब से आड़ो ट्रैक्टर धर रहा हूँ। अब बोल रहे हैं आप बारदान ले भरो भरो, मैं बारदान का लाऊं, बारदान आपसे मंगाया जा रहा है। अब मैं कैसे बारदान लाऊं? अच्छा, जैसे वैसे प्रावधान क्या है बारदाना चाहिए देते हैं, बारदान का काम ला समिति कर रहा था, फिर आप क्या कार्रवाई है? मैं जो चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मुझे पाँच दिन भी हो गए यहाँ पे अकेले आदमी हूँ, तो मैं बारदानों खरीद के लाऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ, दो सप्ते में दो बम चना है मेरे दो वाइन का, अब मैं क्या करूँ? उनने कहा मैसेज निकलवाने के पैसे दिए देना पड़ेगी तुम्हें, मैंने 2000 रुपये दिए, उसने कहा कि मैंने कहा यार इतने मत ले यार कि ये पैसे कलेक्टर तक जाते हैं कहीं। अच्छा, जितेंद्र बैरागी नाम ने पैसे लिए, जिसके बाद में यहाँ पे सभी कांटे वालों से पास करने वाले पैसे ले रहे हैं और माल पैसे ले रहे हैं। मैंने 181 पर शिकायत दर्ज की है, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उसकी कोई रसीद वसीद दिया आपको? रसीद थोड़ी देते हैं दो नंबर की यार। अच्छा अच्छा, मैंने जितेंद्र बैरागी नाम बता रहा हूँ मैं। कब की बात है सर ये? 2 तारीख की। 2 तारीख, 4 तारीख को उन्होंने सुबह तुरंत मैसेज तो छोड़ दी। हाँ हाँ। उसकी जवाबदारी थी पास कराने की तुलाने की तक। और यहाँ से हिलना मत, नहीं नहीं चलिए, कहाँ है वो यार, किसकी ला नहीं लगवाओ, ट्राली वाली कहाँ है? हमरी इंग्लैंड भाई ट्रॉली, अरे एक नंबर यहाँ पे क्या यार, तुम जे देखो, अरे जंगल देते हुए देते जाओ यार, अरे यार दोनों कभी चल करो यार, क्या का काटा वाला मर गया, एक नंबर दे दो, एक नंबर जहाँ से तुम्हारा सही हो वहाँ से करवाओ, हम देख लो ना दर्शवानी नंबर डाल। पुलिस में भर्ती हुई अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस जनों का कहना है कि पुलिस मेडिकल टेस्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को चिन्हित करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। प्रशासन को सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बदल लो बाबा का राज बदल दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भिंड एवं धार जिले में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो भेदभाव और विद्वेष की भावना फैलाने के उद्देश्य से जो भाजपा सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो कृत्य किया गया है वह बहुत ही निंदनीय है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को चिन्हित करने के लिए उनके शरीर पर SC और ST अंकित कर उन्होंने वे विद्वेष की भावना फैलाने का प्रयास किया है, जिससे कि वह चुनाव में लाभ ले सकें। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को अन्य वर्ग के सामने नीचा दिखाने का जो प्रयास किया है उस सब की हम सभी कांग्रेस जन भर्त्सना करते हैं और इस प्रकार के मामले भविष्य में ना हो इसके लिए शिवराज सिंह सरकार को बर्खास्त करने की आज हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं। विगत
दिनों एबी रोड स्थित जैन मंदिर में हुई चोरी का खुलासा न होने के कारण बीनागंज के सकल दिगंबर जैन समाज के बंधुओं ने पुलिस के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए मंदिर से पुलिस चौकी तक काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। चांदौड़ा एसडीओपी को ज्ञापन के माध्यम से चोरों को शीघ्र पकड़ने की मांग की गई। आपको बता दें कि विगत सप्ताह पूर्व में मंदिर में चोरों ने रात्रि में गार्ड के होते हुए चोरी को अंजाम दिया था, जिसमें लाखों का सामान चोरी हो गया था। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। मजबूरन हमें आज मौन रैली और प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आना पड़ी। हमारी बहनों को, माताओं को, सबको लेके, बच्चों को लेके आना पड़ी। जैन समाज एक अल्पसंख्यक समुदाय है, सभी के धार्मिक स्थानों की रक्षा प्रशासन को किस प्रकार करना चाहिए आप अच्छी तरह जानते हैं सर, लेकिन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आप यहाँ की देखिए कि क्या हो रहा है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं बैठा है एक भी। और मैं आपको ज्ञापन पढ़ के सुना रहा हूँ सर, आप सुनिए ध्यान से। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुभाग चांदौड़ा जिला गुना, माननीय महोदय सादर जय जनेन्द्र, गुना जिले के चांदौड़ा तहसील के बीनागंज नगर में प्रसिद्ध सबोदय जैन तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य लगभग 22 बीघा में तीव्र गति से चल रहा है। दिनांक 1/5/2018 को मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों के द्वारा जैन तीर्थ क्षेत्र पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों के द्वारा निम्न सामग्री चोरी की गई। एलईडी टीवी 48 इंच, एक नग, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, साउंड साइज, जियो नेट डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा एवं सेटअप बॉक्स। यह संपूर्ण घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। फुटेज हमने श्रीमान एसडीओपी साहब, टीआई साहब को दिखाया, मंदिर पे दिखाया, और इसके बाद एक सीडी भी बना के हमने इनको दिए। चेहरे, चोर का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। घटनाओं घटित हुए आज 6 दिवस पूर्ण हो गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, पूछे जाने पर कार्रवाई कर रहे हैं, जवाब दिया जाता है। आपको विदित है कि जैन समाज भगवान श्री महावीर स्वामी जी के हिंसात्मक सिद्धांतों का पूर्णतः पालन कर रहा है और हम कर भी रहे हैं सर। अतः श्रीमान जी से जैन समाज चांदौड़ा बीनागंज पैंची विनम्र निवेदन है कि सुबोदय जैन तीर्थ क्षेत्र पर 1/5/2018 को हुई वारदात को की चोरी को अति शीघ्र गिरफ्तार कर सामग्री बरामद की जावे, अन्यथा इस स्थिति में जैन समाज के द्वारा जिले स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज दिनांक 7/5/2018 से 5 दिवस के उपरांत हमारा अग्रिम कार्रवाई होगी। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।